अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम रिंकल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं और क्लोथ कैसे आयरन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम सेल्फीज लेते हैं, सेल्फी तो अच्छी आती है बट रिंकल्स की वजह से ड्रेस बुरा लग रहा था, तो उसको हम फोटोशॉप में रिमूव करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप आपको एक्शन इंस्टॉल करना है। एक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने एक्शन में जाना है। अगर आपको एक्शन नहीं मिल रहा तो आप विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद एक्शन पे क्लिक करेंगे, F5 मास्टर पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपने ब्लर पॉइंट्स रखने हैं 2.5 तक, मैंने 2.5 रखा है, आप अपने हिसाब से इतना मर्जी रख सकते हैं। आपको इस ग्रुप को ओपन करना है। ग्रुप को ओपन करने के बाद लो फ्रीक्वेंसी पर जाएं और कंट्रोल प्रेस जे प्रेस करके कॉपी लेयर क्रिएट करें। उसके बाद आप लेसर टूल पर जाएं, आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने लेसर टूल यूज़ किया है। सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है फिल्टर में, फिल्टर में ब्लर पर जाना है, गॉशियन ब्लर। आपको ब्लर पॉइंट अपने हिसाब से रखना है, मैंने ब्लर पॉइंट रखा है 10 से 11 तक। नेक्स्ट सिलेक्शन करें, ऑल प्लस कंट्रोल प्लस F प्रेस करें, इससे हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी, क्योंकि जो लास्ट में आपने किया है वही होता रहेगा। तो इसी तरह आप और रिंकल्स मूव कर दें। फर्स्ट लेयर हाई फ्रिक्वेंसी पे जाना है, उसको हाइड कर देना। तो गाइस देखें, कुछ रिंकल्स अभी भी रिमूव नहीं हुए, उनको रिमूव करने के लिए हमें यूज करना है मिक्सर ब्लश टूल। तो इसका फ्लो हमें रखना है 50%। अब ऐसे ऐसे इसको मूव करते रहें।
यूज़ करना है और उससे हमें बड़े बड़े रिंकल्स रिमूव करने हैं। गाइज और रिंकल्स रिमूव हो चुके हैं और हमारा ड्रेस जो है वो आयरन हो चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं, हियर इज द बिफोर एंड हियर इज द आफ्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।